लॉकडाउन के चलते सोलन जिला में शिक्षण संस्थान बंद हो चुके थे, जिसके कारण यहां नशे का व्यापार भी काफी कम हो गया था। लेकिन जैसे ही अब शिक्षण संस्थान खुलने लगे हैं, नशे का काला कारोबार फिर से आरंभ होने लगा। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि शिक्षण संस्थान खुलते ही सोलन में आए दिन चरस और चिट्टे के साथ युवक पकड़े जा रहे। गत दिनों में परवाणु से लेकर सोलन तक 5 युवकों को नशे के खेप के साथ गिरफ्तार किया है, जिनके पास से चरस और चिट्टा बरामद किया गया। ये जानकारी एएसपी सोलन अशोक वर्मा ने मीडिया को दी। एएसपी सोलन अशोक वर्मा ने बताया कि परवाणु बाजार में देर रात कार सवार 3 युवक संदिग्ध परिस्थितियों में पाए गए, जिनकी तलाशी ली गई तो उनके पास से 4.83 ग्राम चिट्टा बरामद हुआ। वहीं दूसरे मामले में सोलन रेलवे स्टेशन के समीप एक युवक से 2.41 ग्राम चिट्टा बरामद किया गया। वहीं एक और मामले में शांति के समीप एक व्यक्ति को 53.49 ग्राम चरस के साथ गिरफ्तार किया गया। उन्होंने कहा कि गिरफ्तार किए गए युवकों से पूछताछ की जा रही है और ये जानने का प्रयास किया जा रहा है कि आखिर वे ये नशे की केप कहां से लाए हैं और किसे बेची जानी थी। परवाणु की जो पुलिस गश्त टीम थी वो गश्त पे थी तो करीब 2 बजे रात उन्होंने एक आल्टो गाड़ी को खड़े पाया बाजार में। उस आल्टो गाड़ी में 3 लोग बैठे थे, उनको चेक किया गया तो वहाँ उनके पास से उनके कब्जे से 4.83 ग्राम जो है चिट्टा बरामद हुआ है। तो पुलिस ने जो है 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया, उस गाड़ी को कब्जा पुलिस ने ले लिया है। इसके अलावा सोलन पुलिस ने कल रेलवे स्टेशन के समीप 2.41 ग्राम चिट्टा एक युवक से पकड़ा है और उसे भी गिरफ्तार किया है। इसके अलावा सोलन पुलिस ने कल क्लीन के नज़दीक जो काली माता का मंदिर है वहाँ पे एक व्यक्ति था जिसको शक के आधार पर रोका और उसकी तलाशी ली तो उसके पास से जो है 53.49 ग्राम चरस बरामद हुई है। पुलिस ने इस मामले में भी उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया है।